वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम वैभव सिंह और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं स्टैंडर्ड फोर से हूँ। चलिए आज के वीडियो से बात करते हैं। और चलिए ओ2 मतलब, तो पहले मैं जान लेता हूँ ऑक्सीजन होता है, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए ऑक्सीजन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन आते कहाँ से है? सबसे पहले ऑक्सीजन आते कहाँ से? ऑक्सीजन आता है ट्री से। और ट्री के कौन से पार्ट से आते हैं? ट्री के लीव्स से पार्ट क्या आते हैं? लीव्स के पार्ट से आते हैं तो लीव्स के पार्ट से आते हैं और लीव्स के पार्ट से आते हैं तो वो हम लोग, ये हम लोग को O2 देता है। और O2 देने के बाद ये हम लोग क्या इसको देते हैं? CO2। CO2 मतलब मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 मतलब बताया मैंने आपको ऑक्सीजन। तो ऐसे मैंने किया तो ऑक्सीजन जो हम लोग की इतना इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो हमारे पास नहीं रहेगी, अगर वो हम लोग के पास नहीं रहेगी तो हम लोग मर जाएंगे। इतनी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये ऑक्सीजन, ये O2। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग ये ट्री ले लेता है ट्री। और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्री करता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्री करता है ये कि वो अपना थोड़ा खाना में यूज करता है, अपना फूड बनाने में खाना में यूज करता है। और देखिए इसको ऑक्सीजन बनाने में क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? मैंने यहाँ पे नीचे ये दिया हुआ है ये क्या मटेरियल्स चाहिए। मैंने इसे पीछे बना के ये एरो दिया हुआ, तो ये बना के मैं दिया हुआ क्या आपको समझ में आए। तो चलिए इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे चाहिए सनलाइट, इसे आप सूर्य की रोशनी भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसे CO2 भी कहते हैं। ये वाटर जिसे हम पानी जल कहते हैं, ये हो गए। और ये जब बन जाती है तो ये ठीक ये बनती है तो ये किसे देती है? हमें देती है, ये ह्यूमन बींग्स को। और मैं बता दूं सिर्फ इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ये जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए ये जरूरी है। समझ में आ रही है? उसके लिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। तो चलिए तो मैं आपको बता दूं सारे प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं, सारे प्लांट नहीं देते। मैं बनाना को एग्जांपल दे देता हूं। बनाना जो होती है वो ऑक्सीजन देती नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उल्टा है उनका, वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सारे ट्री जो ऑक्सीजन देते हैं, ये ऐसा मत समझिएगा। सारे ट्री ऑक्सीजन नहीं देते। बनाना का मैं दे देता हूँ आपको ऑप्शन। अब आपको बता दूं कि सबसे लार्ज अमाउंट में कौन से ट्री जो होते हैं वो हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। मैं बता दूं आपको, ये होते हैं पीपल और ये बरगद। मैंने यहाँ पे बरगद का पेड़ इसलिए बनाया हुआ, बरगद और बनियान, पीपल मतलब पीपल ही होता है तो बरगद। और मैंने यहाँ पे बरगद का पेड़ इसलिए बनाया हुआ, मतलब की बनियान, उसका मतलब बनियान का पेड़ इसलिए बनाया हुआ क्योंकि सबसे लार्ज अमाउंट में पीपल और बनियान देते हैं। अगर मैं आपको पीपल का बनाना तो उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, लीव्स से बहुत छोटे छोटे बनाने पड़ते, इसी कारण मैंने बनियान का बनाया, इसी का कारण। तो चलिए मैं बता दूं कि सारे नहीं होते और क्या, और मैं बता दूं सारे जो ट्री जो होते हैं वो सारे जो सांस देने वाले हम लोग जो प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, वो किसी की उम्र ज्यादा होती है, किसी की उम्र कम होती है। मैं आपको बता देता हूँ, तो जिसकी मैं बता दूं जैसे कि ये एक प्लांट है और एक ट्री है। ये ट्री है, ब्लैक वाली पेन ट्री है और ये ब्लू वाली पेन, ये ब्लू वाली है वो प्लांट है। तो इसकी पावर जो होती है ये इसके, मान लीजिए इसमें ज्यादा लीड है ट्री और इसमें कम लीड, तो इसमें इसमें ये ज्यादा लीड रहेगी ना और ये कम, तो इसी कारण ये जल्दी से किल हो जाएगा, मर जाएगा। और ये ज्यादा देर तक रहेगा अपने जगह पे, पोजिशन पे रहेगा, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन देगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपना, मैंगो का ट्री लगा हुआ है उसका एग्जांपल दे देता हूँ, जो मेरे परदादा लगा वो अभी तक है। और एक जो धनिया पत्ता का दे देता हूँ वो भी है, तो वो जो है वो अभी तक पूरा सूखा पड़ा है, मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो फिर ये तो जो होते हैं वो ट्री के सारे एग्जांपल होते हैं, मैंने ट्री के सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं। और बचे ये वाटर कितने इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए, जैसे हम लोग के लिए ये जैसे ट्री हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है O2 मतलब की, और वैसे ही इसके लिए वाटर H2O भी कहते हैं वाटर को, और जल और पानी हिंदी में। तो ये उसे इतनी जरूरी है कि अगर ये तीनों चीज नहीं मिलेगी तो इसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। ये तीनों चीजें अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग नहीं करेंगे। तो मैंने आपको सारी चीज बता चुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन इंसान के लिए जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं बता देता हूँ,
हाँ तो मैं इसे बता दे रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के द्वारा पेड़ को मिल जाती है, वाटर हम लोग के द्वारा मिल जाती है, अगर वाटर अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये तो मरने वाला ही है, और ये जो सनलाइट है वो भी नहीं मिलेगी, ये तो गया काम से भाई। तो अगर वैसे ही है, अगर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हम लोग गए काम से, अगर ये इसलिए हम लोग कहते हैं डोंट कट द ट्री, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डोंट कट द ट्री, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय गाइस।